सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का एक बार फिर अभियान शुरू किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस के संयुक्त प्रयास से सोमवार को चलाए गए अभियान में शहर के सदिक मंजीत चौक के आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कई जरूरी पहल किए गए। यातायात निरीक्षक रुद्रानंद सरस ने कहा कि सड़क को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन जिसने भी अतिक्रमण कर हठ धर्मिता दिखलाई है उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। यातायात निरीक्षक ने कहा यह अभियान अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अतिक्रमण अभियान चला उसके बारे में बताइए। देखिए, अतिक्रमण तो हम लोग 3-4 दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज मतलब सदीक चौक चौराहा के पास कुछ लोग एक मतलब अपनी दुकान को ओटा को 5-6 फीट आगे बढ़ा कर रखे थे। तो हम लोग से पूछे कि इससे आपने जो गाड़ी बढ़ाया है वहाँ पर एक तो टर्निंग है, आने जाने का जो है परेशानी होती है। उन लोगों बोले कि आप लोग इसको जो है से अपने आप को तोड़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा, ना तो कल हम जैसी भी गाड़ी लाएंगे और अतिक्रमण कराएंगे तो आप लोग अच्छा नहीं होगा। तो उन लोग मेरे बात से सहमत हुए कि अतिक्रमण में है हम, और अपने से उन लोग जो है से हथौड़ी से अपना औटा को तोड़ने लगा। हम उसके बाद जो है से आज आप लोग भी जाकर वहाँ देख सकते हैं कि हम लोग 3-4 दिन पहले जो वहाँ दुकान जो बना हुआ है तो हम अतिक्रमण किए थे सदीक चौक के थोड़ा सा आगे, यानी वहाँ पर यात्री सेट के बगल में। तो आज वहाँ पर उस दिन भी हम बोले थे आप लोग को यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी को शिफ्ट करेंगे, आज बड़ी गाड़ी को शिफ्ट कर दिए हैं, और उससे जो है से 2-3 तरह के हम लोग को फ़ायदा मिला। वहाँ पर चांदो स्टैंड भी था, तो चांदो स्टैंड का जो भी टेम्पो आता था चांदो स्टैंड कह के आके रुक जाता था, उसके बाद वहाँ से आगे आप यात्री सेट पास आके और उसके बाद वो गाड़ी जो है से अपना सवारी भरता था, जिससे जो है से मतलब आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो वहाँ था कि उस जगह पर अंदर घुसा करके फोर व्हीलर गाड़ी को आज जैसे सवारी गाड़ी कमांडर गाड़ी को शिफ्ट कर दी। वह गाड़ी अगर कोई भी गाड़ी आधा घंटा से पहले खुलने वाली नहीं है। चलिए, जाम मुक्त अब सदीक चौक पर ऐसा लगता है कि जाम नहीं होगा। आप भी जाकर देख सकते हैं एकदम जाम मुक्त है, केवल अब लगेगा कि पब्लिक चल रही वहाँ पर इस ढंग से कर दिया।